name is Rakesh Negi, and I am one of the top GS educators on Unacademy. तो दोस्तों, मैं Unacademy पर बहुत ही important topics की एक series लेकर के आ रहा हूँ. वो है current affairs से related important topics की analysis. तो मैं कौन-कौन से upcoming topics आपको लेकर के आ रहा हूँ, इसके बारे में जरूर बताऊँगा. So a little brief about myself. So guys, my name is Rakesh Negi, and I am from Dehradun, Uttarakhand, and one of the top GS educator on Unacademy. आप मेरा प्रोफाइल भी विजिट कर सकते हो एट दिस लिंक टू सी ऑल ऑफ माय वीडियोस. और यूट्यूब पर भी मेरा लिंक है दोस्तों, एक चैनल है जो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है. एंड आई हैव ओवर 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन कोचिंग एंड टीचिंग जनरल स्टडीज फॉर यूपीएससी, एसी, सीडीएस, पीसीएस एंड स्टेट एग्जाम्स. तो मेरा एक्सपर्टीज जनरल स्टडीज के ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स पर है, वो भी बहुत ही डेप्थ में. पॉलिटी, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट, बायोलॉजी एंड करंट अफेयर्स. ये सब्जेक्ट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आपको यूपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम को क्रैक करना हो, और आपको कंप्लीट एक्सपर्टीज चाहिए इन सब्जेक्ट्स को फुलफिल करने के लिए. करंट अफेयर्स के लिए जो मेरा अप्रोच रहता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि आपके पास करंट अफेयर्स कुछ ऐसा प्रोवाइड किया जाए जो आपको रिटन एग्जाम में भी हेल्प करे, एसएसबी में ग्रुप डिस्कशंस और इंटरव्यू में भी हेल्प करे, असिस्टेंट कमांडेंट में इंटरव्यू में हेल्प करे, और असिस्टेंट कमांडेंट में एसी एसए राइटिंग में भी आपको हेल्प करे. यानी कि आप करंट अफेयर्स को इस तरीके से बिल्ड करो जो आपके लिए वाइड कवरेज करता होगा. तो वही मेरी अप्रोच रहती है. करंट अफेयर्स का मेरा जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा टारगेटेड और बहुत ज्यादा एनालाइज्ड कंटेंट रहता है. इसमें मैं आपको वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स टॉपिक वाइज बताऊंगा जो कि आप बहुत इजीली रिकॉल कर सकते हो, चाहे रिटन एग्जाम हो, इंटरव्यू हो, या ग्रुप डिस्कशन हो, या ऐसे राइटिंग हो. आपको पूरी स्टोरी मगअप करने की जरूरत नहीं है. तो हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स टॉपिक वाइज स्टडी करना है. उसके साथ साथ मैं हर टॉपिक को फॉर और अगेंस्ट, जो भी इश्यू होगा उसके फॉर और अगेंस्ट में मैं आपको अलग अलग पॉइंट्स बताऊंगा, और बहुत सिस्टमैटिकली पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि आपको कुछ मगअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप इजीली इश्यूज को प्रैक्टिकली एनालाइज कर सकते हो और रिकॉल भी कर सकते हो. साथ साथ में देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी अनअकैडमी प्लस पर जो स्पेशल क्लासेस हैं उसमें मैं करंट अफेयर्स की सीरीज में जो मेरे अपकमिंग टॉपिक्स हैं वो है, एक तो स्ट्रेटेजिक सेल ऑफ पीएसयूज और दूसरा है बोडोलैंड इशू एनालिसिस. ये जो स्ट्रेटेजिक सेल ऑफ पीएसयूज है, जिसे हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं या सरकारी कंपनियां कहते हैं, इनको क्यों सरकार बेच रही है, इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों अभी रिसेंटली न्यूज में था, पीएसयू क्या होता है, और तीसरी बात कि क्या ऐसे लॉज हैं जो पीएसयूज की सेल को गवर्न कर रहे हैं, क्या हम उनको सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और चौथी इंपॉर्टेंट चीज कि सरकार को क्या फायदा हो रहा है पीएसयूज का सेल करने में. जैसे आपने रिसेंटली सुना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड के शेयर्स बेचना चाहती है, डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है. तो इकोनॉमिक्स की कुछ टर्मिनोलॉजीज में आपको बताऊंगा, और साथ साथ में इसके बेनिफिट्स और क्या चैलेंजेस आएंगे सरकार के सामने सेल ऑफ पीएसयूज को लेकर के, क्या क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्या विरोध हो रहा है, इसका फायदा होना है या नुकसान होना है, ये वाला टॉपिक मैं आपको पूरा एनालाइज्ड करके बताऊंगा. तो ये मेरा पहला टॉपिक रहेगा. और दूसरा टॉपिक मैं आपको जो बताऊंगा वो है बोडोलैंड इशू. इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, और आपको पता होगा कि ये जो बोडोलैंड है ये वेस्ट बंगाल में एक दार्जिलिंग के एरिया में एक छोटा सा एरिया है, और यहां पर बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है. क्यों ये न्यूज में था ये बताऊंगा मैं आपको. और एक पार्टी है एनडीएफबी, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, इस पार्टी को लेकर के रिसेंटली बैन लगाया गया था, और वही चीज हमने समझनी है कि क्यों इसको बैन लगाया गया था, इस पार्टी की क्या एम्स हैं. बोडोलैंड का एक लंबा इतिहास है डिस्प्यूट का, तो उसका पूरा टाइमलाइन समझने की कोशिश करेंगे. और जो लोग आर्मी से रिलेटेड पेपर दे रहे हैं उनके लिए तो वैसे भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, तो ये भी हम समझेंगे. और क्यों ये लोग बोडोलैंड की डिमांड कर रहे हैं, Why they want a separate state from West Bengal, which is known as Bodoland? और future में क्या और developments हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो government ने NDFB को ban लगाया है, लेकिन क्या क्या आगे और सरकार इसमें कर सकती है इस dispute को settle करने के लिए.
तो ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं, आप मेरी क्लास को ज्वाइन करिए, फ्री क्लासेस हैं, आप मेरे प्रोफाइल पर भी विजिट कर सकते हैं अनअकैडमी में, मेरी कौन कौन सी अपकमिंग फ्री क्लासेस आने वाली है, कौन कौन सी अपकमिंग प्लस क्लासेस आने वाली है, और जीएस को बहुत ज्यादा डेप्थ में बहुत ज्यादा एनालाइज्ड करके एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है तो अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हो, और सीधा 10% डिस्काउंट आपको मिल सकता है यदि आप मेरा कोड यूज करो राकेश नेगी। आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए, तो इन डेप्थ कोर्स ऑन ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, पर्सनलाइज्ड डाउट क्लियरिंग सेशन में आपको दूंगा, एम्पल एमसीक्यू स्ट्रेटजी और प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी टॉपिक वाइज, जैसे जैसे मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ हर टॉपिक पर मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर के आता हूँ, ताकि आप ये समझ सको कि आप उस सब्जेक्ट को क्रैक कर सकते हो या नहीं। साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भी प्रैक्टिस कराता हूँ, जिससे कि आपको अपनी प्रोग्रेस पता लगे और आपको ये भी पता लगे कि यूपीएससी का ट्रेंड क्या चेंज हो रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछ रहा है। तो आइए मेरे साथ अनअकैडमी पर ज्वाइन हो जाइए और इन टॉपिक्स को भी पढ़ें और साथ साथ में अनअकैडमी प्लस पर भी डेप्थ में चीजों को पढ़ें, स्ट्रक्चर्ड वे में चीजों को पढ़ें और कम से कम टाइम में आप प्रिपेयर हों। सो गाइस लेट्स क्रैक इट, थैंक यू वेरी मच, सी यू देयर।